त्योहार माते या कोई खास मौका वास्ते आज मैं आपने बहुत आसान तरीके बना रेसिपी बतूला जिन्हें बिगनर्स भी आपके घर रामायण बहुत आसानी हो बिना झंझट बनाने तैयार कर सके तो राम राम पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सब स्वागत है सा इन्हें वास्ते मैं मेजरिंग कपड़े हिसाब दो कप बेसन लिए हूँ और मैं मैन वाला बेसन लिया हूँ आप अपने घर में जो कोई बेसन खाता हो उन्हें इस्तेमाल कर सको और आपकी आवश्यकता अनुसार भी ले सको मैं दो कप बेसन बनाना तैयार करूंगा अब इन बेसन ना आप छाण लिया बेसन छाड़ना रीजन हो जाया करे इनमें कोई कचरा वगैरह बह वो निकल जाया करे और गांटा बह वे भी निकल जाया करे इन तरह मैं पूरे बेसन ना छान लिया हूँ तो आप देख पा रहे हो बेसन काफ़ी खुलो खुलो हो गया है अब भाई मैंने दो टेबल स्पून वजह घी डाल दिया अटे मैं देसी घी ले हूँ आप घर में जो भी घी खाता हो उन्होंने इस्तेमाल कर सको और सब ने अपा एक बार मिक्स कर लिया घी या तेल डालने से इनमान खस्तापन बहुत अच्छा आया करे पर भगवान के वास्ते बना हुआ इस वास्ते अपन ने घू बनाना तैयार करना है घी मिक्स कर बाद रे मैंने आप एक बार चेक करना देख लीजो बराबर नहीं बनता वह इन तरह में देखो घी मन थोड़ा कम लाग रही है एक टेबल स्पून वजता घी में और डाल दे हूँ इन तरह चेक करना देख लेना और सब ने अच्छी तरह मिक्स कर ले इन तरह बराबर मिक्स हो जाना चाहिए जा, कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए अब लड्डू बहुत अच्छा बन दिया है इन तरह बनना तैयार होना चाहिए अब इन मैन थोड़ा थोड़ा करने दूध डालना इन तरह डालता रह जाओ और मिक्स करता रहना एक साथ में ज़्यादा डाल दो ला तो गिल्लो हो जावेला यदि आपने गिल्लो हो जावा तो कोई बात नहीं मैं थोड़ा बेसन और डाल दीजो अटे मैं गर्म दूध नहीं लिया हूँ और रूम टेम्परेचर वो दूध है इन अपना टाइट डो बनाने तैयार करना है डो ढीलो नहीं होना चाहिए इन तरह मैं डो बनाने तैयार कर लिया हूँ आप देख पा रही हो डो काफी टाइट बनने तैयार हो गया है एक तो आटो गुंदना मैंने लगभग तीन टेबल स्पून दूध इस्तेमाल करियो आप भी आपने घर में झट तो हो सके कम कम दूध डालने आटा गूंदने तैयार कर जो ट गीलो हो जाए तो आगे रेसिपी रे मैंने आप प्रॉब्लम मिला अब इन मैंने एक लोई तोड़ लेवा इन तरह एक लोई तोड़ लीजो देखो आराम वो बन रही है हो तो स्मूथ डो होना चाहिए इन चीज रो भी आपने ध्यान रखना है कटे बेसन सूखा नहीं रहना चाहिए सब जगह छित्रु लग जाए साइड में अपना घी भी गर्म हो गया है मैं इन रेसिपी वास्ते घी रो इस्तेमाल कर रही हूँ आप चाहो तो तेल या वनस्पति की नो भी इस्तेमाल कर सको अब बेसन भी मैं लोई बना रखी हूँ उन्हें इन तरह हाथ में ले लेवा और इन्हें इन तरह आप फैला दे वहां इनमें आपने कोई बिलन और झंझट नहीं है हाथों आराम फैल इन साइड रे जाइडर क्रैक्स आ जाए जा तो कोई टेंशन जी बात नहीं क्योंकि मैं आटो बहुत ही टाइट गूंधना तैयार करियो हूँ तो साइड रे ड्रमाइने क्रैक्स आ सके यदि क्रैक्स पसंद नहीं हुए तो इन तरह आप थोड़ा क्रैक्स ने कम कर सको लगभग मैं इतना तो मोटो बनाने तैयार करी हूँ पूरी यार पतला बनाने की जरूरत नहीं है इन्हें थोड़ा मोटो ही रखना है एक मैं आपने और बनावनी बता दू हाथ में इन तरह ले लीजो हल्को सा इंतरा दबा दीजो और आराम वो फैल जाओ आटा पाना टाइट ही रखना है जितने पानी हथेली है उतो बड़ो बनाना अपन तैयार कर ले होना है साइड राम जगह क्रैक्स है इंतरों करना आप खत्म भी कर सको क्रैक्स रह भी जाओ तो कोई बात नहीं साइड रे मैंने अपन घी भी गर्म हो गया है घी ने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है हल्का गर्म हो जाए और हल्की आँच आजा डूब जाए उनमान डाल होना है तो आप देख पा रहे हो घी एकदम हल्का सा गर्म है इनमें हल्का हल्का बबल सारी है एक साथ रमान ज़्यादा नहीं डालना है एक साथ में खाली मैं तीन गालिया हूं आँच ना इन टाइम अपना धीरेज रखना है तेज आँच में नहीं करना धीरे धीरे आँच रे मैंने करो ला तो इनका कलर बहुत अच्छा आवेला और बहुत अच्छा पकने तैयार वेला थोड़ी देर बाद रे मैं नापी ने पलट सको हल्का सा पक जावे उन बाद रे मैं नाप पलट दीजो ये घी ने एब्जॉर्ब नहीं करिया करे क्योंकि इन मैंने पहले से घी गाली उड़ा है इन रास्ते इन्हें घी नहीं लिया करे धीरे धीरे जू जूए पकिया करे हल्का उन्हें ऊपर आउना रो जाया करे पर हल्को सा आप घी ने घुमाता रह जाओ इन्होंने नीचे चिपकेला नहीं नीचे चिपक जावेला लाला कलर थोड़ा डार्क हो जाए ला जि अपने रेसिपी रही लागेला तो आप देख पा रहे हो हल्की हल्की आंच रे मायने इन कलर बहुत ही अच्छा आ रही है इन्हें फ्राई करता हुआ लगभग पांच मिनट हो गया है पांच मिनट में आप देख पा रहे हो इन्हें हल्का सा कलर चेंज हो जाए इन तरह बनाने तैयार करना है ए बहुत ही सॉफ्ट बनने तैयार होया करे जड़ो मैं पहले आपने बताया कि इन माने क्रैक्स होया करे क्रैक्स होया रे बाद रे मायने भी बिखरिया नहीं करे कलर तो बहुत ही सुंदर आया है आज तो आपने ध्यान रखना है धीरे आंच में ही जो होना चाहिए जैसे बचौड़ाया उन्हें भी आप फ्राई कर लेवा इन तरह मैं सब ने फ्राई करने तैयार कर लिया हूँ मैं इट दो कप बेसन लिए हूँ इन मायने अपना छः बनने तैयार होया है कलर भी आप देख पा रहे हो कितना तो अच्छा है इन मायने क्रैक्स है क्रैक्स रहे कारण इन्हें मायने तक घी जाया करे जिन कारण अंदर तक अच्छा पक जाया करे इन टाइम रहा बहुत ही गर्म है तो मैं तोड़ने नहीं दिखूँ थोड़ी देर ठंडो उन बाद रे मायने मैं आपने दिखाऊँगा जब तक वह ठंडो हो रहा है उतनी देर में मैं मिक्सर रो लिया हूँ इन माने एक कप में जीते शक्कर पीस ले हुआ मैं दो कप बेसन लिया हो इन वास्ते एक कप शक्कर ले हुई है शक्कर ने पीसने तैयार कर ले हूं। अब मैं शक्कर ने मैं पीस ली हूँ बार नहीं खोला ला क्यूँकी शक्कर ने पीसा पीसाउन टाइम शक्कर माइने पाउडर बनना उड़न जाया करे थोड़ी देर बाद मैंने खोलना इन्हें अब, अब अपा साइड में रख दे अब मैं मिक्सी रो छोटा बड़ा झार लिया हूँ इन मैंने मैं क्वार्टर कप किशमिश और क्वार्टर कप काजू लिया हूँ इन्हें भी आप पीस ले आप चाहो तो इनमें बादाम या पिस्ता भी डाल सको दोबारा इन तरह पाने पाउडर बनाने तैयार कर लेना है इनमें बाइंडिंग आ आजावनी थी जाए किसमिशरे कारणों इनमें बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाए करे तो आप देख पा रहे हो बाइंडिंग कितनी अच्छी आएगी कि है अब इन्हें आप प्लेट में निकाल लेवा आप देख रहे हो आरामों निकल जाया करे पूरा लोये वजू बन गया है अब इन्हें छोटी छोटी बॉल्स बना लेवा ज़्यादा बड़ी बॉल्स नहीं बनावनी है छोटी छोटी बॉल्स बनावनी है आराम वो बॉल बनने तैयार हो जाया करे आप देख पा रहे हो दिखे न मैंने कितनी सुंदर लाग रही है इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आवेला यदि आपने कोई मिठाई बनावाना मन नहीं करे खाली इंतरू बनाने भी खाओला तो बहुत अच्छा लगेला बिल्कुल जड़ी काजू कतली है बड़ी टेस्ट आवेला इन माइन मैं मिठास वास्तव न तो गुड़ डाली हूँ न ही चीनी डाली हूँ न ही मिसाई डाली है फिर भी यहाँ एकदम परफेक्ट मिट्टी बनना तैयार होया करे यदि आपने कम मीठा खा पसंद हुआ या गुड़ चीनी या शक्कर खानी पसंद नहीं हुआ तो आप इन तरह बनाने भी भगवान ने चढ़ा सको मैं बहुत बार भगवान ने इन तरह लड्डू बनाने भी चढ़ाया करूँ यह फटाफट बन जाया करे मैं मिठास वास्ते किशमिश ऐड करी हूँ आप चाहो तो इन जगह माता खजूर भी ऐड कर सको अंजीर भी ऐड कर सको ओ भी टेस्ट बहुत अच्छा होगा इनमें ना आपने कोई घी तेल डालने जरूरत नहीं है काजू मैं में घी निकलिया करे जिन्होंने जिनका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाया करे इन तरह सब बॉल्स ने बनाना तैयार कर ली हूँ बसाइड अभी ठंडा हो गया है अब मैं आपने तोड़ने देखूँ देखो कितना खस्ता बनने तैयार हुआ है यह आराम वो टूट रही है और बहुत ही पोला बनने तैयार हुआ है और आराम वो भी कर रही है या ना अपन पूरा तोड़ने की जरूरत नहीं है हल्का हल्का इन तरह तोड़ना तैयार कर सको यूँ तो कोई भी मिट्टी आप बनावा तो उनमें अपन बराबर घी डालीजिया करें यह थोड़ा कम घी में भी बनने तैयार हो जाए जो मिट्टी बनवाने वास्ते आपने एक कप घी लाग सके उन जगह में आधा कप में बनने तैयार हो जाए अब मैं जित मिक्सी के जार रामायण ने शक्कर पीसी ही वही जोड़ा जार पाछों ले लिया हूँ शक्कर ने मैं निकाल ली हूँ उन्हें जार रामायण ने ए पीस लेवा यह आधा आधा करना है पपीसा एक साथ में ज्यादा नहीं पीसाला इजिली पीसने तैयार हो जाए बोला अभी आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा पीसीज ने तैयार हो गया है और बहुत दानादार बनने तैयार हुआ है इन्हें आप दानों देखो बहुत ही अच्छा आया है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है अब भाई इन्हें पा एक पर में निकाल ले अटे मैं आपने याद दिला दूं कि आपने मेरी रेसिपी कड़ी लाग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने जरूर बताईज आपने अच्छी लागती हुआ तो आप लाइक कर जो यूट्यूब में देखता हुआ तो आप मारे चैनल ने सब्सक्राइब करने बेल आइकन जरूर दबा दीजो इन तरह आप देख पा कि तो अच्छा दानेदार बनना तैयार हो है यू इन जगह माँ आप बेसन ने सेकने बनाता तो एडो अच्छा टेस्ट भी नहीं आता अच्छा बनने भी तैयार नहीं होता इन स्वाद का ही गुणा ज्यादा अच्छा आवेला अब इन मैंने आधा छोटा चम्मच वही इलाची और पाउडर डाल देवा इनकी खुशबू इन मैंने बहुत अच्छी आवेला इन्हीं साथ जबकि शक्कर आप पीसने रखी हाँ वह भी मैं डाल देव अटे मैं शक्कर ने पीस नहीं ली भी हूँ आप चाहो तो बुरो शक्कर इस्तेमाल भी कर सको या मिसे ने भी पीस पीसना डाल सको मीठो भी आप अपने हिसाब में कम बतो कर सको अब इन इनमान एक टेबल स्पून वजता पिस्ता डाल देव एड डालना आपकी इच्छा माते हैं यदि आपका करना वह तो आप डाल जो नहीं तो मत डाल जो और सब ने एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेवा इन टाइम टाइमरा आप देख रहे हो ईमान बाइंडिंग नहीं आई है इन वास्ते इन इमान थोड़ा घी ऐड कर देव घी थोड़ा थोड़ा करने से डालना है और सब ने अच्छी तरह मिक्स कर ले और मैं गर्म करने ठंडो करी उठा घी लिया पगल लडो घी डालना इन मायने यदि आप डायरेक्ट बेसन लड्डू बनाओ ला एक कप बेसन ड मैंने आपने पूर्ण कप घी तो जरूर डालना पड़ेगा ला ए अपना कम घी में बनने तैयार हो जाव वाला इन तरह थोड़ा थोड़ा घी डाल जो आप मिक्स कर लीजो इन मायने दूध वगैरह मत डाल जो आप दूध डालो ला तो लड्डू जल्दी खराब हो जाव ए लड्डू खराब नहीं होया करे कुल बिल ने मैं इन माने पाव कप घी गा लिया हूँ इन माइन बाइडनी बहुत अच्छी आएगी है इन तरह आप हाथ में लेने देख लीजो लड्डू अच्छी तरह बन रहा है इन्हें मतलब है परफेक्ट बाइंडिंग आई आएगी है लड्डू बहुत ही अच्छा दानेदार बनने तैयार हो गया करे पर मैं इन्हें यूँ नहीं बनूला खाली मैं बांधने बताई हूँ आपने इन तरह बन रहा है इन्हें मतलब और परफेक्ट बनने तैयार हुआ है आप इन तरह हाथ में थोड़ा ले लीजो और उन्हें बीचों बीच मैंने गोली दी जी रख दीजो काजू रुजी की बॉल बनाने रखी यहाँ अवार रख दीजो और उन्हें ऊपर आप बेसन लगा दीजो और इन तरह आप बांध लीजिए आराम लड्डू बन जाए बीच में बीचपू नहीं और पूरा बन जाए खाने रे रहा टेस्ट भी बहुत अच्छा आवेला बीच रे मैंने काजू और टेस्ट आवेला जो खोड़ने में बहुत अच्छा लगेगा ला ला। लास्ट में आप इन तरह कर लीजो जिन कारण इन माते एक अच्छी चमक आ जाया करे जिन लड्डू रो कलर ही चेंज हो जाया करे है इन मैंने आप देख पा रहे हो कितना तो फर्क दिख रिया है ये इन्हे ऊपर आ जाया करे इन तरह मैं बहुत ही आसान तरीके हूँ बेसन राइस राइपेशल दो लेयर वाला दाने दार लड्डू बनाने तैयार कर लिया हूँ न इन मैंने मैं मावो डालिया हूँ न ही मिल्क पाउडर डाले हूँ न ही कंडेंस मिल्क सिर्फ दो कप बेसन में नौ सौ ग्राम वेजताल लड्डू बनाने तैयार कर लिया हूँ तो अगली बार त्यौहार आते हैं। आपने कोई स्पेशल लड्डू बनाओ ना मन करे तो आप जरूर बनाने ट्राई कर जो बेर मिला से दूसरे वीडियो में है जब तक राम राम सा